कुछ ना कुछ करवाएंगे इंशाल्लाह, बाकी सेवा कर अल्लाह से, बाकी ऊपर वाले कुछ ना कुछ कराएंगे इंशाल्लाह, कोई फायदा ना हो रोए का, बाकी जो अल्लाह की मर्जी है वो होगी, हम करवाए थे, ठीक है। चलो 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 वही रास्ता है सुप्रीम कोर्ट तो कानूनी पहले उनका कागज देखिए नहीं हूँ कानून नहीं नहीं दी गई केस में खाली तो कंपनसेशन मिल जाए कुछ ना होगा। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट वाला, दूसरा जो अब हाई कोर्ट कह रहा है डीएम के आने को, तो सुप्रीम कोर्ट ये अपील कर जाए, पहले भी हुआ था कोर्ट से स्टे करवा, कह रहे थे कि उसके अगर वो नहीं मान रही है तो वो खारिज करेंगे, तो उसका एक आपको यही तो पहले भी हुआ था, जो घर गिर गए उनकी बात कर रहे हैं कि अगर कुछ उनका सरकारी मुआवजा ना, क्योंकि गिराया तो गलत है, गिराया गलत है, बिना नोटिस से गिराया गया, तुम कागज़ लेकर के आ जाओ इनके पास, रामर सिंह रामा जी बस आकर कागज देगा तो सुप्रीम कोर्ट कराएंगे, भाई खर्चा और चीज़ का ना करो, हम करवा देंगे, ठीक है, पूरा हमारी तरफ से, वो पार्टी करेगी, अखिलेश जी ने कहा है कि जो खर्चा हो जो मदद हो वो सब दिया जाए या जैसे भी दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी सहायता करे और सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए, इंसानियत के नाते गरीबी देखते हुए सरकार को बहुत जल्द इन लोगों को सहायता पहुँचानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा, सरकार जागेगी और इनको सहायता जल्दी मिलेगी। तो इस बारे में क्या कहूँगी, तो आपने सब कुछ खुद ही बता दिया कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, तो प्रेस के बंधुओं से यही विनती है कि जो सच्चाई है वो दिखाइए, ये बताइए कि सरकार किस हद तक निरीह हो चुकी है, किस हद तक बेलगाम हो चुकी है कि गरीबों की यहाँ तक नहीं पहुँचती उनके कानों तक। प्रशासन का ये कहना था कि इनके पास कोई कागज़ नहीं थे उस ज़मीनों पे जिसकी वजह से ये घर ढहाए गए। देखिए, गरीबी और बेरोज़गारी और मजबूरी कागज़ नहीं मांगती है, भूख कागज़ नहीं मांगती है, बच्चे कागज़ नहीं मांगते हैं, सरकार खाना दे सकती है, छत तो दे ही सकती है, छत नहीं इनके पास, छत देने का काम सरकार करेगी कि हम करेंगे पुनर्वास के लिए इनके लिए व्यवस्था। गरीबी कागज नहीं मांगती है महोदय, गरीबी भूख खाना मांगती है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी के अध्यक्षता में यहाँ पर आया है आज, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में और जो घर गिराने की बात हो रही है और जो परेशानियों की बात हो रही है, वो इन लोग के ऊपर अभी बहुत सी मुसीबत आई हुई है, और हमें पूरी आशा है कि न्यायालय हम लोग को न्याय देगा और उसके लिए हम कोर्ट का द्वारा खटाएंगे। ये यहाँ पर एक डेलीगेशन जो आया है सपा का, इसमें इन लोगों को क्या कोई सहायता भी दी जाएगी पार्टी की तरफ? तो ये आकलन करने के लिए आया कि इन लोगों को नुकसान कितना हुआ है, कैसे रह रहे हैं, बाकी जो सहायता इन लोगों को दी जाएगी नहीं जाएगी हम प्रेस को नहीं बताएंगे, इसलिए सहायता हम लोग व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता, लेकिन क्या सहायता दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी ये सरकार को सोचना चाहिए कि किस इंसानियत को के चलते हुए इन गरीब छोटे छोटे बच्चों को आप अगर यहाँ पे देखें तो सब उजड़े पड़े हुए हैं, बेघर हो गए हैं, सब रहने के लिए नहीं है, रोड पर रह रहे हैं, तो सहायता हम लोग तो देंगे नहीं, सरकार क्या करेगी, सरकार ने किस दुश्मनी में आकर के और किस जिद में आकर इन घर को गिराया है जहाँ पे बच्चे तक बेघर हो गए, सहायता सरकार को देनी चाहिए। अगर आपने बेघर किया है, मान लिया चलिए कि आपने बेघर कर दिया कोर्ट के आदेश पे, लेकिन क्या आप इस लायक नहीं कि दो वक्त की रोटी दे सकें गरीबों को? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।